जब से एडवर्टाइजमेंट आई है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल्स की सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है वो यही है कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, क्या सिलेक्शन टेस्ट होगा या दूसरा क्राइटेरिया होगा। देखिए अभी तक जो असेसमेंट एनालिसिस जो मैंने किया है उसके बेस पर ये बता रहा हूं कि अभी तक जो प्लानिंग चल रही है वो टेस्ट की नहीं है, ठीक, पर इसको फाइनल नहीं कर लेना चाहिए। अभी तक प्लानिंग जो चल रही है ये चल रही है कि आपके 100 मार्क्स रखे जाएंगे या इसको परसेंट आप बोल सकते हो, उसके तीन डोमेन होंगे, आपके जो स्कोर लगने हैं ये कैसे डिवाइड होंगे, ये तीन कैटेगरी में डिवाइड होंगे आपके स्कोर, नॉलेज डोमेन, जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, और इंटरव्यू, ठीक। तो नॉलेज डोमेन में क्या है कि डेमोन्स्ट्रेशन आपकी जो टीचिंग की है, याद रहे ये प्रिंसिपल्स के लिए नहीं, ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, प्रिंसिपल ये क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो डिफरेंट वीडियो बना दूंगा, अगर इसमें उनसे कुछ ओवरलैपिंग होती हुई तो वो साथ में बताता चला जाऊंगा। ओके, नॉलेज डोमेन में डेमोन्स्ट्रेशन को रखा जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन में जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी या कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जो जो इवन कॉलेजेस और हायर लेवल पर डेमोन्स्ट्रेशन लेती हैं, जैसे स्कूल्स में होती हैं डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन पॉसिबल है। अगर डेमोन्स्ट्रेशन पर क्वेश्चन मार्क लगता है, क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा, क्योंकि एक दो आगे वाले फैक्टर हैं, आगे मैं चल के डिस्कस करता हूं, जो हो सकता है कि ये सारा ये प्लानिंग चेंज होके जो सिलेक्शन टेस्ट है उसकी तरफ आ जाए, वो फैक्टर कौन से हैं नेक्स्ट होके, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप चेंज नहीं अब कर सकते, ठीक है, ये आप चेंज कर सकते हो, तैयारी डेमोन्स्ट्रेशन की कर सकते हो, इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो, ठीक, और वेटेज इनकी नेक्स्ट में बताता हूं। तो एकेडमिक रिकॉर्ड है, आप ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं आपके, वेटेज उनको मिलेगी, ठीक है, वेटेज नेक्स्ट आगे चल के बताता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन को 100% है वेटेज मिलेगी, एमफिल को, रेगुलर को, जहां मतलब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर कि कितने वो सेशन में या किस मोड से की हुई है, एमफिल को वेटेज मिलेगी। पीएचडी को 100%, सबसे ज्यादा पीएचडी को वेटेज मिलेगी। नेट को वेटेज मिलेगी, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है, ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, क्योंकि 2009 से 11 जुलाई 2009 से पहले जिनकी रजिस्ट्रेशन एमफिल जहां पीएचडी के लिए हुई है वो लेक्चरशिप के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन, ठीक। तो अगर वो ऐसे कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो लाते हैं कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग एग्जाम इनको बनाते हैं, पीएचडी को बनाते हैं, उनके पास नेट मान लीजिए नहीं है, तो उनको पीएचडी के फिर मार्क्स नहीं मिलते, अगर मिलेंगे मेरे हिसाब से वो दूसरों के बराबर नहीं मिलेंगे जिसका नेट क्लियर होगा, ठीक, जिसका नेट क्लियर होगा उसके पास पीएचडी है तो पीएचडी की उसकी वेटेज बहुत होगी, गोल्ड मेडल की वेटेज ये परमानेंट है मिलेगी। इसके अलावा आपकी मेरिट में आए हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जहां डिस्टिंक्शन में हो, ऐसी कुछ वेटेज कम अधिक हो सकती है, ठीक। इसको डिवीजन को अगर समझना है तो आगे चल के समझते हैं, इसको परमानेंट नहीं समझना, ये लगभग है पॉसिबिलिटी है कि ये, दैट इज व्हाई मैंने रेंज भी साथ साथ में रखी हुई है। अच्छा ये वाला ले ले कोई कलर, ये ओके। ग्रेजुएशन के 5% मार्क्स जहां तक मुझे लग रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 से 10% मार्क्स हो सकते हैं, ठीक। एमफिल के मेरे ख्याल में 5% ही होंगे, इससे ज्यादा शायद ना हो, 10 तक आप लगा सकते हो कि 10 तक भी हो सकते हैं अगर रेगुलर है। पीएचडी के मैक्सिमम मार्क्स लगभग 20 से 25 होंगे, लेकिन मैंने 15 से 25% वेटेज रखी है। टोटल क्या होगा कि ये जो आपका अच्छा नेट की बात मैं कर चुका हूँ, नेट का साथ अगर नेट है साथ में पीएचडी है तो आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी दूसरा गोल्ड मेडल को 1, 2, 3, 4, 5 तक मार्क्स मिल सकते हैं। ये कैटेगरी जो हो गई है एकेडमिक रिकॉर्ड की हो गई है, इसके अलावा डिस्टिंक्शन मेरिट्स उसके हो सकते हैं, तो टोटल 50% मार्क्स इसके होंगे, ठीक। लेकिन जो मैक्सिमम चेंज है नॉलेज डोमेन है, क्या इसको डेमो की बात की है, क्या डेमो पॉसिबल है, अगर
अगर पॉसिबिलिटी में आगे जाके फैक्टर डिस्कस करता हूँ, और इंटरव्यू 20 मार्क्स की होगी, और ये भी पॉसिबल है कि अगर सिचुएशन चेंज होती है तो इनको मिक्स कर दिया जाए, ठीक, इसी में नॉलेज डोमेन या उसको ब्रीफ कर दिया जाए, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अच्छा नेक्स्ट ये कि अब शॉर्टलिस्ट अगर हो जाता है, ये क्वेश्चन है कि शॉर्टलिस्ट क्या सभी जनों को बुलाया जाएगा, अगर सभी जनों को बुलाया जाएगा तो ये एप्लीकेशन फॉर्म नेचुरली है कि ज्यादा फिल होंगे, वो आपके लिए पॉजिटिव खबर है। यूजीसी ये कहती है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स को बुलाया जाए, डीपीआई पंजाब कहते हैं कि एक पोस्ट के पीछे 6 जनों को बुलाया जाए। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की ये रही है आज तक जितने हुए हैं मॉस, जो मेरी इंफॉर्मेशन में है, उनमें जो जितने सारे एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, इवन जो गेस्ट फैकल्टी कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी जो कंस्टिटेंट कॉलेज की रखी है, उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं उस नॉलेज को, कि वहां अगर एक या दो पोस्ट थी तो उसके पीछे अगर 30-40 जने भी होते थे तो उन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। हाँ ये बात है कि नॉट एलिजिबल को इंटरव्यू तक वो नहीं पहुंच पाते, ऑल एलिजिबल की इंटरव्यू ली जाती रही है, ठीक। तो ये संभावना मैक्सिमम है कि मैक्सिमम ऑल एलिजिबल कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए डेमो के लिए बुलाया जाए, ठीक। अच्छा नेक्स्ट फैक्टर है कि अगर ऑल सभी को बुलाया जाता है तो क्या मतलब ये फिजिबल है, पॉसिबिलिटी है। हम ये जानते हैं कि ये जो पोस्ट निकली है, ये जानते हैं ये पोस्ट है कितनी, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल को यहाँ अभी छोड़ देते हैं, कम गिनती है उनकी, ये रहा बॉटनी की 2 है, ठीक है, केमिस्ट्री की 9 है। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट ने पोस्ट निकाली थी उनकी एप्लीकेशन, वो डाटा खुद मैंने इतना इंटरव्यू किया है और कई एग्जैक्ट डाटा भी है पिछली वीडियो, यहाँ मैं अंदाजन आपको बोल रहा हूँ कि बॉटनी के लिए मान लीजिए 500 के करीब, अगर 500 के करीब एप्लीकेंट्स थे, अगर वो सारे जने यहाँ अप्लाई करते हैं तो केमिस्ट्री के लिए 9 पोस्ट के पीछे 700-800 के करीब कैंडिडेट्स थे। कॉमर्स के लिए सबसे ज्यादा नोटेबल, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, मेरे ख्याल में 2500 से ज्यादा, 2600 से सर थोड़े प्लस ही होंगे, ठीक है, पंजाबी और कॉमर्स के मैक्सिमम कैंडिडेट थे, शायद इससे भी ज्यादा कैंडिडेट। ओके कंप्यूटर साइंस के लिए आप 1000 के करीब, 800-900-1000 के करीब लगा सकते हो, इकोनॉमिक्स के 1000 के करीब कैंडिडेट लगा सकते हो, ठीक है, इंग्लिश के आप 500-600-700 कैंडिडेट लगा सकते हो। अच्छा इंग्लिश की पोस्ट भी काफी है, 19 पोस्ट है। अच्छा फैशन डिजाइनिंग के लिए मेरे ख्याल वहां पोस्ट नहीं थी, देखते हैं कितने कैंडिडेट आते हैं। हिंदी के लिए मैक्सिमम 1000 से ज्यादा कैंडिडेट हो सकते हैं, हिस्ट्री के लिए 1000 से ज्यादा हो सकते हैं, सॉरी 800-900 के करीब, 700-800, वो उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके लिए अगर इन पोस्ट की अट्रैक्शन कम होगी कि नेचुरली पर यह अंदाजा लगता है कि कितने कैंडिडेट होने की संभावना है हमारे पास। मैथ्स के मेरे ख्याल में 700-800 के करीब, ठीक, म्यूजिक के भी 300-400 हो सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन 600-700 के करीब थे, ठीक है। अब ये आप जानते हो पॉलिटिकल साइंस 1000 के करीब या 800 के करीब, पंजाबी के कॉमर्स के करीब 2500 के करीब, 3000 के करीब कैंडिडेट होंगे, शायद इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो ये कैंडिडेट पूरे होंगे। अब ये प्रॉब्लम है कि अगर इतने लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आती हैं तो जो बातें मैं पीछे डिस्कस करके आया हूँ, बात कौन सी डिस्कस की है, सबसे पहले ये वाली, क्या इतने जनों की डेमोस्ट्रेशन और इंटरव्यू पॉसिबल है, क्या अगर पंजाबी की पोस्ट है मान लीजिए 20 पोस्ट है, 20 के लिए 2000-3000 पंजाबी के लिए तो सभी मेरे ख्याल में करेंगे, पंजाब के जो इर्द गिर्द के हैं वो सारे करेंगे, अगर इतने लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि
जो ये वाली शिफ्टिंग है टेस्ट की तरफ हो जाए कि इन कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी करनी है, शॉर्टलिस्टिंग करनी है। दूसरा मेथड ये हो सकता है, अगर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो टॉप वाले बुला लिए जाए, पर ये पॉसिबिलिटी है ज्यादा लग रही कि ये बाद में एप्लीकेशन आपकी आने के बाद 14 को बाद ये फैसला या डिसीजन होगा कि क्या किया जाएगा, क्योंकि साथ में इलेक्शन का कोड वो भी लगने वाला है। और लेकिन उसके बावजूद ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ऐसी अब तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है। और अगर इलेक्शन भी बीच में आते हैं तो मे बी, क्योंकि आज तक एक नया ये क्वेश्चन है आपके लिए कि ये कितना लंबा प्रोसीजर होगा। एक कमेंट भी आया था कि 11-18 की तरह इनका हाल भी होगा, वैसा ही हाल होगा इनका भी। तो ऐसे नेगेटिव सोचना नहीं है हमने, हमने तो कोशिश करनी है, एक ये भी रुक जाए अगली भी रुक जाए, हमने तो करनी है कोशिश, तो करते रहना है और अपना ख्याल रखते हुए खुश रहते हुए सब कुछ करना है। तो अगर डिले कितनी होती है ये एक क्वेश्चन है, डिले होने की ये संभावना है अगर प्रीवियस रिकॉर्ड पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के देखें, जैसे इसका रिलेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट से है, तो मतलब बड़ी जल्दी ज्वाइनिंग करा ली जाती है। कई बार तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी, कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी, वॉक इन इंटरव्यू और नेक्स्ट डे आप ज्वाइन करो, ऐसे भी होता है। तो यहाँ भी क्योंकि जो वाइस चांसलर साहब हैं वेरी एक्टिव, एनर्जेटिक एंड प्लानिंग कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। देखिए पहले यूनिवर्सिटी की हालत आपको पता है कि लोन बहुत ज्यादा था, शायद 150 करोड़ के करीब यूनिवर्सिटी पर लोन था, ठीक। तो इवन कहते हैं कि उन दिनों में कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के पास इतना फंड था कि शायद मतलब उन दिनों में वो हेल्प होती रही है विद इन बाउंड्री। तो अब मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी की हालत है जो बेटर है, फाइनेंशियल हालत बेटर है, दैट इज व्हाई ये स्टेप लिए जा रहे हैं। ये स्टेप लिए जा रहे हैं इसीलिए कि इसको डिले नहीं किया जाएगा। पॉसिबिलिटी ये है इलेक्शन से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है, एक आस ये रख सकते हैं। मेरी किसी भी बात को फाइनल नहीं समझना, मैं जो भी कह रहा हूं अपने पिछले एक्सपीरियंस, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो दूसरी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस चलती है, जो यूजीसी की रेगुलेशन है, इन्फॉर्मेशन ऐसे एनालाइज करता हूँ और आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। तो आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को रिजिडली नहीं लेना है, इसके लिए आप पिछला एक्सपीरियंस देख सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है ना, मैंने वीडियो शेयर किए हैं। तो ये संभावना है दो कि अगर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट आते हैं तो वो टेस्ट के लिए कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वहां होते हैं नेचुरली अगर टेस्ट हो गया तो इनकी वेटेज जो है कम हो जाएगी और टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर तीनों डोमेन्स जो हैं, मान लीजिए टेस्ट प्लस डेमो होता है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इट मीन सभी के लिए मोटिवेशन है। इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन करते हैं, अच्छा आप करप्शन के बारे में सोचते होंगे कि पहले से बंदे तो नहीं रखे ऐसा वगैरह, पर ये जो डायरेक्टर मैडम है ना, मतलब वेरी नाइस, बड़ी तारीफ सुन रहा हूँ इनकी, और मतलब अच्छी से सिलेक्शन की है, प्योर सिलेक्शन हो रही है जब से ये आए हैं, वीसी सर आए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको फुल बटा फुल आस रखनी चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, आगे जो भी होता है तो वो देखते हैं, ठीक। अगर ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट के इंटरव्यू पैनल में कौन कौन बैठेगा, नॉर्मली असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इंटरव्यू होती है सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उसमें हो सकते हैं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट दो हो, ठीक है, वीसी नॉमिनी मिनिमम वन होंगे, ठीक है, और वीसी साहब खुद भी बैठ सकते हैं इंटरव्यू में किसी में वगैरह, है ना। अच्छा डायरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, ये तो 100% है बैठेंगे बैठेंगे, ओके, क्योंकि रिजर्वेशन फुल बटा फुल अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एक कम से कम वो बैठेंगे। अच्छा कॉलेज जिस ये कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के प्रिंसिपल बैठ सकते हैं एक या दो, ठीक। तो दैट इज वाई आपको 10 कॉपीज जो है वो फोटो की
मंगवाते हैं फोटोस्टेट जो आपके डॉक्यूमेंट मेन है, एप्लीकेशन बायोडाटा है प्लस पब्लिकेशन लिस्ट है, कि जब ये इंटरव्यू ले रहे हो तो इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो दिस इज पॉसिबिलिटी जो जजमेंट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। मेरे पास जो मेरा एनालिसिस था मैंने आपके सामने रख दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको केयरफुली चलना होगा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ एप्लीकेशन सेंड करने के लिए जल्दी मत करें, क्योंकि जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है प्लस इसके जो इसके अलावा जो जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो बेशक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एपीआई नहीं है, लेकिन अगर आपकी पब्लिकेशन बहुत ज्यादा, आपने कोई कंटेंट डेवलपमेंट किया है, आपने कोई कोर्स डेवलप किया है, आपने करिकुलम डेवलपमेंट में आपने कंट्रीब्यूशन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन है, आप रिसोर्स पर्सन बड़ी हायर लेवल पर आपने कंट्रीब्यूशन आपकी है रिसोर्स पर्सन एज बीइंग ए रिसोर्स पर्सन, वो सारी जो जो मैंने गाइड लिस्ट और जहाँ चेक लिस्ट एक बताई है उसमें काफी पॉइंट है, तो वो आपको यहाँ पर पॉजिटिवली पे करेंगे अगर डायरेक्ट उनकी वेटेज असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं मिलती। एपीआई की जो प्रिंसिपल की पोस्ट है डायरेक्ट उसमें तो मिलनी है, दैट इज वाई आपको एपीआई वाला वीडियो जो खुद आप एनालाइज कर लीजिए, आपका सोर्स मुझको ही नहीं जरूरी फॉलो करना, जो भी अच्छा यूट्यूब पर है या डॉक्यूमेंट है या रेगुलेशन 10, 13, 16 और 18 जो भी है खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। तो एनालाइज करके आप देख सकते हैं कि किन आस्पेक्ट की वेटेज है, वैसे मैं उस पर वीडियो निकाल रहा हूँ, तो उनकी जो तैयारी है आपको फॉर्म में उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है वो जरूरी होगी, वो लगभग पूछा गया है, लेकिन कुछ कमियां मैंने देखी है जैसे रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, एपीआई में इनका स्कोर होता है ना, कोई समर कोर्स ऐसे लगाया है जो यूजीसी से स्पॉन्सर्ड वगैरह है, तो उनकी जो फॉर्म फिल करते हुए वो आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा सिलेक्शन के अलावा आप मत सोचिए जो होगा, लेकिन हाँ आपका वो जो फीस है वो पे होनी है, उसके बाद आपकी तैयारी हुई हुई है, आपने पहले पेपर दिया हुआ है और आप कुछ लर्न ही करोगे, दैट इज वाई मेरे हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। निराशा बेशक कुछ भी हो आस तो रखनी ही होगी, दम रख बंदिया दम रख, आस ना छड़ दिल थम रख, सुपने खुर ना देवी अखियां भावे नम रख, दिल विच यार मिलन दी आस ते कम से कम रख, अपने गम दे नेड़े दूजे दा भी गम रख, दम रख बंदिया दम रख।